الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद आदम को जो सबसे पहला तारुफ कराया तो वो अलस्तु बिरब्बिकुम, कि मैं तुम्हारा रब हूं। सारी औलाद आदम इकट्ठी थी, सबको अल्लाह ने अपना पहला तारुफ इन अल्फाज से कराया, अलस्तु बिरब्बिकुम। फिर मुसलमान बच्चा पैदा होता है तो उसके सामने अल्लाह का कलाम है, तो उस कलामुल्लाह की सबसे पहली आयत, पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम्हारा रब कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर ये कलामुल्लाह जब इख्तिताम होता है, मुकम्मल होता है, सबसे आखिरी सूरत कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, सारे लोगों का रब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर भी इसी पर मुश्तमिल है। हदीस अलैहि सलातो वसलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू, मेरा रब तुम्हारा रब वही है। हादा सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता यही है। हम नमाज पढ़ते हैं और हर नमाज में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सिरात मुस्तकीम अता फरमा। इस सिरात मुस्तकीम का सबसे बुनियादी अकीदा है कि हमारा रब अल्लाह है। ये ऐसा बुनियादी अकीदा है कि अगर इस अकीदे पे यकीन आ जाए तो आने वाले इस दौर के बहुत सारे फितनों से महफूज हो जाए। इसलिए कि इस दौर, आने वाले दौर का सबसे बड़ा फितना दज्जाल है, और वो दज्जाल वो ऐसे करिश्मे दिखाएगा, तरक्की का वो दौर होगा, तरक्की का वो दौर होगा, ऐसे करिश्मे दिखाएगा, जहां चाहेगा बारिश बरसा देगा। बज़ाहिर यूं लगेगा कि जन्नत जहन्नम उसके साथ चल रही है, बज़ाहिर यूं लग रहा होगा कि दुनिया के खजाने उसके साथ हैं। जिसने उससे दोस्ती कर ली वो तो खुशहाल हुआ, और जिसने उससे दुश्मनी मोल ली वो तो बदहाल हो गया। तो वो दज्जाल क्या कहेगा? अना रब्बुकुम, रब तो मैं हूं, रब तो मैं हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में बहुत कुछ बता दिया, अगर तुम्हें याद न रहे ना इतना याद रखना, इन रब्बकुम लैस बिआवर, कि तुम्हारा रब अंधा नहीं है, वो एक आंख से अंधा होगा। फरमाया मैंने बहुत कुछ बता दिया, बहुत बड़ी आजमाइश होगी, बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, बहुत बड़ा फितना होगा,
अगर कुछ याद ना रहे तो इतना याद रखना कि इन्ना रब्बकुम लैसा बिआवर, तुम्हारा रब अंधा नहीं है, उसकी एक आंख में बिनाई नहीं होगी, वो अंधा होगा। लेकिन बजाहिर वो तरक्की का सबसे आला शक्ल होगी, मादियत का सबसे बड़ा नमूना होगा। ऐसे ऐसे तसर्रुफात करेगा, ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाएगा। इस अकीदे की बुनियाद पर आदमी इन फितनों से महफूज रह सकता है, इसलिए अल्लाह ने इस पर बड़ा इनाम बताया। हिन्नल लदीना कालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तकामू, जिसने ये कहा कि अल्लाह मेरा रब है और फिर इस पे डट गया और जम गया। रब किसे कहते हैं? रब उसे कहते हैं कि मेरी जरूरियात का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास। इज्जत, जिंदगी, सेहत, खुशहाली, रिस्क, सेहत, इन्नल लदीना कालू रब्बुना अल्लाह, रब है वो, पालता है, परवरिश करता है, इख्तियार उसे है, मेरी जरूरियात सिर्फ अल्लाह ही पूरी कर सकता है, ये रब है। ये जो अकीदा है, आने वाले इस मादियत में जहां मादियत का माबूद का दर्जा दिए जाने लगा है कि आदमी इससे ऐसा डरने लगा, ऐसा उम्मीद बांधने लगा जो हक अल्लाह का था, जो हक अल्लाह का था। दुनिया की हर चीज अल्लाह की मखलूक है, उसकी इजाजत के बगैर ना नफा दे सकती है ना नुकसान पहुंचा सकती है, ना फायदा दे सकती है ना नुकसान दे सकती है, ना इज्जत दे सकती है ना रुसवा कर सकती है, ना सेहत दे सकती है ना बीमार कर सकती है, ना जिंदगी दे सकती है ना मौत दे सकती है। ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास। मेरा अल्लाह रब अल्लाह है और फिर इस पे जम गया। आज के दौर में मुसलमानों की गुलामियत का बड़ी वजह यही है। मुसलमानों के जो पांव में गुलामियत के जंजीरें हैं उसकी एक बड़ी वजह यही है कि अल्लाह की रबूबियत पे अकीदा ना रहा। माश मईशत, आज हर फितना इसी सवारी पे सवार होके आ रहा है। हर फितना माश और मईशत की सवारी पे सवार होके आ रहा है। जिनके पास मादी तरक्की है उनका नजरिया यही बनता चला जा रहा है, हमारे साथ हो तो खुशहाल हो, हमसे कटे तो बदहाल हो। हमारी इताअत करोगे तो खुशहाल रहोगे, न मानी तो बदहाल हो जाओगे। ये बड़ा इम्तिहान है। ऐसी बड़ी आजमाइश के मौके पे वो शख्स खड़ा हो सकता है जिसे इस अकीदे पे पुख्ता यकीन हो। और जन कब्र में सबसे पहला सवाल भी यही है, मर रब्बु को। और ये इतनी अहम चीज थी मुसलमान की जिंदगी के लिए और मुसलमानों की फलाह और निजात के लिए, मुसलमानों की इज्जत और सआदत और कामयाबी के लिए इतना बुनियादी नजरिया है ये कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कलाम सुनाया और अल्लाह का पैगाम सुनाया और अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आया, जहां तालीम की अहमियत बताई गई वहां साथ निसाब तालीम भी बताया, और उस निसाब तालीम का जो मरकजी मौजू था वो अल्लाह की रबूबियत का तारुफ था।
इस उम्मत का ताल्लुक तालीम से होगा। सबसे वही पहली वही में इसकी तलकीन की गई, इकरा। अब जहालत का ताल्लुक नहीं होगा तुमसे, इस उम्मत का ताल्लुक जहालत से नहीं है, इल्म से है। लेकिन साथ बता दिया, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक। मुसलमानों की तालीम वही तालीम है, वही तामीर करेगी मुसलमानों को, वही फला और कामयाबी तालीम दिलाएगी जिस तालीम में रब का तारुफ मौजूद हो। और रब का तारुफ अगर तालीम से निकल गया तो वो तालीम तखरीब का बायस बनेगी, तखरीब का बायस बनेगी। तो मुसलमानों का मसला तालीम नहीं है, मुसलमानों का मसला है तालीम और तरबियत। लुटेरे जितने मुसलमानों को मिले हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, उन्हें लूटने का ऐसा अंदाज आता है कि निशान भी नहीं छोड़ते। बदनामी भी अपने सर पे नहीं लेते, लूटते भी हैं निशान भी नहीं छोड़ते, इज्जत भी कमाते हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मुसलमानों का जो अलमिया है वो निरी तालीम नहीं, वो तालीम जिसमें रब का तारुफ हो, ये मुसलमानों की तामीर और फलाह का रास्ता। इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो, तालीम हासिल करो। लेकिन उस तालीम का मरकजी मौजू है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, साइंसदान बन रहा है, किसी और शोबे की तालीम ले रहा है, लेकिन ये तो हो पालता अल्लाह है। मेरे जिंदगी के सारी जरूरियात का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, ये जब अकीदा होता है फिर माशरा खलवतों के अंदर भी ख्यानत से रोक देता है, फिर सोसाइटी खलवतों के अंदर भी उसे सोसाइटी के अंदर करप्शन नहीं रहती, फिर ये शख्स तन्हाइयों में तारीकियों में जहां कानून की रसाई नहीं और इंसान की नजर भी नहीं, वहां भी ये मोहतात और दयानत से काम लेता है। जिन साजी हो गई ना, तालीम से जहन साजी हो गई, फिक्र की तामीर हो गई कि मैं इससे नहीं पलता। अगर मैंने अगर नजायज इकट्ठा भी कर लिया, चौकीदार रहूंगा, ख्वार रहूंगा, पलूंगा इससे नहीं, पलूंगा इससे नहीं। तो ये मुसलमानों की जिंदगी का बुनियादी अकीदा है, रुबूबियत। अबू फिरौन, उसके पास बड़ी चमक दमक थी दुनिया की, गैर मामूली फौज थी, अस्करी ताकत उसके पास थी, उसका जमीन, उसका मुल्क जरखेज मुल्क था, बड़ी खुशहाल मईशत थी उसकी। तो वो नादान कहने लगा, अना रब्बुकुमुल आला, रब तो मैं हूं, जिसे चाहूं जिंदगी दे दूं, जिसे चाहूं मौत के घाट उतार दूं, जिसके लिए चाहूं रिस्क के और खाने पीने का सामान कर दूं, जिसे चाहूं महरूम कर दूं। कहने लगा, रब तो मैं हूं। यही अकीदा मुसलमानों को इस दुनिया में आने से पहले भी सुनाया गया और दुनिया में आने के बाद भी इसी अकीदे की बार बार तकरार कराई गई। बताइए नमाज में मैं और आप कितनी मर्तबा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पालता कौन है? और सिर्फ इंसानों के जहानों को वो जात नहीं पालती, ना जाने कितने जहान हैं, कितनी मखलूक है, सभी को अल्लाह पालती है। चट्टानों में रहने वाला कीड़ा भी पलता है तो उसी के हुक्म से पलता है, जमीन के तह में रहने वाला कीड़ा मकोड़ा भी पलता है तो उसी के खजाने से पलता है, समुंदर और दरिया की तह में रहने वाले करोड़ों खरबों किस्म के मछलियां और मुख्तलिफ किस्म के मखलूक खजाना खाती हैं और रिस्क लेती हैं तो अल्लाह के खजाने से लेती हैं। पालता कौन है तुम्हें?
یہ سبق انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی سبق ہے، بلکہ صراط مستقیم پہ رہنے کے لیے بنیادی نظریہ ہے. نفع نقصان، عزت ذلت، صحت بیماری، زندگی اور موت، خوشحالی اور تنگ دستی، معیشت کی ترقی اور تنگ دستی، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے، یہ صرف اللہ کا ہے. رب ہے وہ ہمارا، وہ ہمارا رب ہے. تو یہ عقیدہ بنیادی نظریہ ہے. اگر آدمی کے ذہنوں میں، دماغ میں، دل و طبیعت میں اس یقین پر نہ آیا تو آج کی چمک دمکتی یہ مادیت یہ اسے رسوا کر دے گی، یہ اسے رسوا کر دے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا، وہ مادردار اندھے شخص پر ہاتھ رکھتے بینائی واپس آتی، اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پرندے بناتے اور اس کے اندر روح پڑتی، وہ ہوا میں اڑنے لگتا. تو دنیا سمجھنے لگی رب یہ ہے، اللہ کا حصہ یہ ہے، اللہ کا بیٹا یہ ہے. نہ جانے کیسے کیسے نظریات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایجاد ہو گئے، اختراع ہو گئے، نکل آئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا ان اللہ ربی و ربکم، دیکھو اللہ ہی میرا رب ہے اور میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی وہی رب. میں بھی اگر اپنی ضروریات کا میں محتاج ہوں تو اس اللہ کا کارساز مشکل کشا، کارساز مشکل کشا اکیلا اللہ ہے. اور بتایا ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ یہی ہے، سیدھا راستہ یہی ہے. میں بھی اس کا بندہ ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں کارساز نہیں ہوں، میں حاجت روا مشکل کشا نہیں، میں بھی اس کا بندہ ہوں. میرا بھی معبود برحق، تمہارا بھی معبود برحق ایک اللہ کی ذات ہے. آدھا قرآن آغاز میں رب العالمین، انتہا میں اعوذ برب الناس، اور جہاں قرآن آدھا ہوتا ہے سورہ کہف سبحان اللہ، وہاں بھی یہی عقیدہ ہے. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. چند نوجوان ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کا راستہ دے دیا، ہدایت کے راستے پہ کھڑے ہو گئے اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اپنے آئے، خیرخواہ بن کے آئے. کس راستے کا انتخاب کیا ہے؟ اس راستے میں معاشی کوئی ترقی نہیں، اپنی پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو، معاشی ترقی کے سارے راستے بند ہو جائیں گے. ان نوجوانوں سے کہا، نوجوان کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کی مخلوق کو پالتا ہے، جب سب کو پال لیتا ہے مجھے بھی پال لے گا. خیر خواہ بن کے آئے کہ جس راستے پہ تم چل پڑے ہو، بعض ظاہری طور پہ معاش کے سارے راستے، ترقی کے سارے نقشے تم اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہو، کھاؤ گے کہاں سے؟ زندگی کیسے گزرے گی؟ معاش کہاں سے آئے گا؟ معیشت کا کیا ہوگا؟ یہی تو کمزور عقیدہ ہے بھائی مسلمانوں کا. بیٹیوں کی عفت خطرے میں، نوجوانوں کا شباب خطرے میں، مسلمانوں کا لقمہ حلال خطرے میں، مسلمانوں کا ایمان اور آخرت خطرے میں. بنیاد کیا ہے؟ معاش کا کیا ہوگا، معاش کا کیا ہوگا؟ تو نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کی مخلوق کا رب ہے، جو چٹان میں کیڑے کو کھلا سکتا ہے، سمندر اور دریا میں مچھلیوں کو کھلا سکتا ہے. کوئی اس کی بندگی کرے، اس کی راہ پہ چلے، کیا اسے نہیں کھلائے گا؟ ربنا رب السماوات والارض.
تو میرے عزیزو یہ مسلمانوں کی ہدایت کا اور صراط مستقیم کا سب سے بنیادی نظریہ ہے کہ پالتا اللہ ہے، میری زندگی کی ضروریات کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، صحت بیماری عزت ذلت کامیابی ناکامی زندگی موت یہ ساری اللہ کی مخلوق ہیں، نفع ان سے تبھی ہوگا جب اللہ چاہے گا، اللہ چاہے گا تو یہی سبق ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس ذات کی جو ہمیں پالتا ہے، سارے جہان کو پالتا ہے، اللہ اس عقیدے پہ صحیح یقین نصیب فرما دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔